दोस्तों वही वर्ष मार्च नवंबर 2023 को है। अभी वर्ष में महिलाएं भूल कर भी ना ये करें काम, नहीं तो पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्काष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे लोक भाषा में अहोई आठे या अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का अशाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदिशक्ति देवी पार्वती है। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर की मध्य रात्रि 1 बजे से होगा और इसका समापन 5 नवंबर देर रात 3:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर रविवार के दिन है तो इस दिन की अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्प योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में रखे गए व्रत का दोगुना फल मिलता है। अगर आप भी माता रानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि अहोई अष्टमी के व्रत का क्या महत्व है। अपने बच्चों की रक्षा के लिए तरक्की के लिए माताएं यह व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान के लिए यह व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है, उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अहोई माता का अष्टमी का पूजा विधि और अहोई अष्टमी पूजा का विधान। सायंकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ माना जाता है। दिन भर उपवास करने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के एक दीवार को अच्छे से साफ करें, उस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग करें। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। फिर पकवान जैसे हलवा पूड़ी मिठाई आदि को भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जाप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करें। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी माता के मंत्र के बारे में। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिया नंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। आए सब जानते हैं भोजन कैसे करें। पूजा के समय अपने पुत्र या पुत्री को अपने साथ बिठाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले बच्चों को प्रसाद खिलाएं। साथ ही इस दिन ब्राह्मण की जरूरतमंदों को गाय को भोजन कराना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर एक, खुदाई करने से बचें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए क्योंकि मिट्टी की खुदाई करने से उसमें खुरपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पुरानी कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक सहकारिणी के सेई के बच्चे की मौत हो गई थी और इसके बाद उनका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी, तभी से यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। नंबर दो, काले रंग के कपड़े अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू ना करें। कहते हैं कि अहोई पर तारों की छाँव में अर्घ देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, करवे का इस्तेमाल अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वो वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल मिठाई का पुनः प्रयोग ना करें। नंबर चार, तामसिक भोजन अहोई अष्टमी के व्रत में
खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना ना बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। नंबर 5, नुकीली या धारदार चीज़ें ओई अष्टमी के व्रत में धारदार या नुकीली चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस दिन चाकू छुरी कैंची या सुई जैसे चीज़ों का उपयोग से बचें। व्रत में इनका इस्तेमाल अशुभ समझा जाता है। नंबर 6, तांबे का इस्तेमाल ओई अष्टमी के दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित होता है। इस दिन केवल स्टील से बने बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, इस दिन सिलाई का काम ना करें। ओई अष्टमी के दिन सिलाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिलाई में भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, प्रसाद में ना डालें लहसुन और प्याज। ओई अष्टमी के दिन बनने वाले खाने में लहसुन और प्याज नहीं डालना चाहिए। आपने गौर किया होगा कि किसी भी प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता है। कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ति राक्षस से हुई थी, इसलिए पूजा पाठ के किसी भी काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नंबर 9, पूजा में सारी सामग्री होनी चाहिए नई। ओई अष्टमी की पूजा में पूजा की सारी सामग्री नहीं होनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फल फूल मिठाई ताज़ा होनी चाहिए। नंबर 10, बच्चों का रखे ख्याल। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखते हैं, इसलिए इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। नंबर 11, अपमान। ओई अष्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहें। नंबर 12, इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए, ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। तारों को अर्घ देते समय स्टील से बने लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए तांबे से बने लोटे का इस्तेमाल ना करें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। रेखा गोगिया, चैनल को आप ज़रूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें।